पंचकूला में कर्मचारी कल्याणकारी संगठन ने मानसून सत्र में विधानसभा में बिल लाकर विभिन्न विभागों में लगे कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। कल्याणकारी संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा मानसून सत्र में विधानसभा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कर्मचारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 7355609900 भी जारी किया, जिस पर किसी भी समय कच्चे कर्मचारियों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। HRMS में डाटा अभी हमारी तारीख से हमारी रूबरू मीटिंग है, उसमें भी हम बताएंगे कि LTC HRMS के संबंधित कैसे क्या कार्य करना है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। विभागवार हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उनके निर्देशकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लागू हो रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आए, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वो रनिंग में लेके आए। आप चाहे 10 की लेके आओ, चाहे 5 की लेके आओ, चाहे 2 की लेके आओ, वो सरकार सतर्ककारी है, लेकिन रनिंग में लेके आए ताकि वो रनिंग समय समय पर वो कर्मचारी रेगुलर होते रहे। वन टाइम लाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ कर्मचारी रह जाते हैं, तो यही बात है। जिसमें क्या था कि अगर किया जाए उसके बाद 6 महीने पॉलिसी लागू की गई, तो और अभी प्रेजेंट में HRMS और ई पोस्टिंग के थ्रू HRMS का मैं आपको इसलिए तक एग्जैक्ट जो डाटा होता है, जो पोस्ट के अंगेंस्ट लगा हुआ कर्मचारी और जो नियमित होने का अधिकारी है, वो डाटा HRMS के थ्रू ही एग्जैक्ट सरकार तक पहुंचता है। और उसके लिए सरकार ने समय समय पर पत्र निकाले हैं, जिनकी मैं डेट्स आज आपको सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 11/5/21 को निकाला गया, उसके बाद 11/8/21 को निकाला गया, उसके बाद 6 जुलाई 2022 को निकाला गया, उसके बाद 26/12/2022 को निकाला गया, उसके बाद 14/2023 को निकाला गया, जिसमें क्लियर कट लिखा गया कि पार्ट टू कर्मचारियों का डाटा HRMS के थ्रू ई सैलरी के माध्यम से उनका डाटा HRMS में फीड किया जाए, ताकि सरकार तक पार्ट टू कर्मचारियों की एग्जैक्ट स्थिति सामने रखी जा पहुँच सके। और उसके बाद जुलाई में भी 2-3 लेटर निकले हैं। बहुत से डिपार्टमेंटों में पार्ट टू कर्मचारियों का डाटा HRMS में डाल दिया गया, जिसके कारण सरकार के पास उनकी परिस्थिति क्लियर हो चुकी है। और समय समय पर हमने अभी पीछे हमने रिक्वेस्ट करी थी LTC के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, एक्सटेंशन का जो 1 साल की एक्सटेंशन हुई है कर्मचारियों की, उसका मैं खुद जाने वाला हूँ आगे सरकार तक, अधिकारियों तक अपनी रिक्वेस्ट के माध्यम से हमने बात रखी है। और पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, ना तो हम किसी सरकार के हैं, हम कर्मचारियों के लिए हैं, कर्मचारियों की मांग उठाते रहेंगे और कर्मचारियों के लिए ही आगे तक अपनी बात को तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सरकार के सामने रखते रहेंगे। कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं आपके? इस आउटसोर्स पार्ट टू कर्मचारी में सभी डिपार्टमेंटों में आते हैं, जैसे PWD, हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन, ITI। अभी रिसेंटली भी ITI में कुछ साथियों को उनको एडजस्टमेंट किया जा रहा है, उनकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर कर्मचारी आ गए और उनको अन्य स्थानों पर एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल हमने LTC का रिक्वेस्ट करी थी फरवरी में, उससे पहले रिक्वेस्ट करी थी फरवरी 14/2023 को सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए LTC का भी प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यू थे, जिसमें क्लैरिफिकेशन का इश्यू था, वो क्लैरिफिकेशन 1 जून 2023 को भी सरकार द्वारा लागू की गई है। और उसके आधार पर उससे पहले भी हमने विभाग स्तर पर रिक्वेस्ट के माध्यम से प्लानिंग डिपार्टमेंट, PWD, सेकेंडरी, HSSC, HPSC, इन डिपार्टमेंटों में हम LTC कर्मचारियों को दिलवा चुके हैं, जो उनका अधिकार बनता है। तो सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक आप ही एक ऐसा माध्यम है जो आम जनता तक और सरकार तक कर्मचारियों की आवाज़ को पहुँचाने का कार्य करते हैं। मैं थोड़ा सा हमारे संगठन के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारा संगठन पार्ट टू कर्मचारियों के लिए बनाया गया, पार्ट टाइजमेंट इंटरव्यू और पोस्ट के अंगेंस्ट लगता है, जो कभी ना कभी नियमित होने का अधिकारी होता है। कानूनी तौर पर भी उसको किसी भी प्रकार की अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर सरकार उनके लिए नियमितीकरण पॉलिसी बनाती है। तो हमारा संगठन बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कच्चे कर्मचारियों के लिए काम करता आ रहा है, और समय समय पर पहले हम ओपनली नहीं आ रहे थे, उसके कुछ रीज़न थे, लेकिन अब मजबूरन हमारी आवाज़ को हमारे द्वारा ही उठाया गया समय समय पर, और हमने इस संगठन का निर्माण किया। और उससे पहले जो हमने कार्य किए हैं विभाग स्तर पर, जो कर्मचारियों को समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं के को पूर्ण रूप से आप सभी को अवगत कराने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट टू कर्मचारी हरियाणा सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी 2009 और 6/4/2015 के तहत लगते हैं, उसमें पोस्ट के अंगेंस्ट लगाया जाता है। ग्रुप C और D के लिए ही ये पॉलिसी बनाई गई है।
इसमें क्लियर कट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस है, गाइडलाइंस है, इनमें क्लियर लिखा हुआ है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है। हम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही, तथ्यों के आधार पर ही हम कभी भी कोई बात रखते हैं तो प्रेस के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बात रखते हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही कर्मचारी पोस्ट के अंगेज लगता है। नियमित होने का अधिकार होता है, उसको सारे अलाउंसेज का अधिकार होता है। समय समय पर जब भी हमने तथ्यों के आधार पर गवर्नमेंट सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है तो हमारी आवाज़ को हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पर हम अधिकारियों से को अवगत कराते हैं और उन्होंने हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुना है और उन पर अमल किया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।